वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अच्छिका एंड योर हर्टली वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव। इस सेगमेंट में हम इसके बाद हम बात करेंगे रूल फॉर यूजिंग आर्टिकल एन। ठीक है, अभी इंडेफिनेट ही चल रहा है, ए हो चुका है, अभी हम बात करेंगे एन की। एन का यूज़ कहाँ कहाँ पे करना इसी होता है। तो एक तो बहुत ही यूनिवर्सल नोन है, लाइक कोई भी अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू, ये पांच वॉवेल होते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में, तो वहाँ पे अगर हम उससे रिलेटेड जो भी नाउन यूज़ हो, मतलब स्टार्ट हो रहे हैं, उनसे पहले हम करेंगे लाइक एन एलिफेंट, एन एश, एन ऑरेंज, एन इंक पॉट। ठीक है, यहाँ पे ए का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एन का ही यूज़ करेंगे। फिर दूसरा क्या है कि वो शब्द जहाँ पे एच साइलेंट होता है वहाँ पे भी हम एन का यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए, ये स्टार्ट तो ऑनर एच से हो रहा है, ऑनेस्टी भी एच से हो रही है, और ऑनर सॉरी ये आवर है और ये ऑनर है, एच से हो रहा है, लेकिन हम इसका प्रोनंसिएशन करते हैं तो हॉनेस्टी और हॉनर और हावर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑनर ऑनेस्टी एंड आवर आर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप प्रोनंसिएट करके देखेंगे, तो प्रोनंसिएशन में जिस तरीके का सेंस देगा उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ अप्लाई हो रही है। फिर थर्ड है इन जनरल, जैसे कि हिस्टोरिकल और होटल के पहले हम एन का ही यूज करते हैं, ये थोड़ी सी फोकस करके बात याद करने की है, जैसे कि हिस्टोरिकल और होटल नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल एंड होटल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एच वर्ड है पर्टिकुलर, इस पर हम फोर्स नहीं करते हैं, बहुत ही लाइटली प्रोनंशिएट करते हैं, इस वजह से हमेशा हिस्टोरिकल और होटल के पहले एन का ही यूज़ करते हैं, ये आप मत भूलिएगा। ये सिंटैक्स में आपको मिल सकता है जहाँ पे करेक्शन के लिए पूछेंगे और आपको समझ नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे फोर्थ की, वो नाउन जो स्टार्ट तो कंसोनेंट से होते हैं लेकिन सेंस कैसा देते हैं, वॉवेल से। वो इंग्लिश में कुछ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुछ दो ही तीन वर्ड हैं, लाइक एम एन एल, ठीक है, ये एस, ये कुछ ऐसे चार, कुछ क्या, चार ही ऐसे वर्ड हैं जिनके जो मतलब जिनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे। अभी देखिए, आप एल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, भले ही ये एल है यानी कि ला है, ठीक है, लेकिन ये प्रोनंसिएशन इसकी कैसे हो रही, एल, तो एल के प्रोनंसिएशन में ए आ रहा है, और ए क्या होता है, वो वॉवेल में आता है, ए आई ओ यू, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से एस भी है, एस को हम ऐसे लिखेंगे ना, तो ये ए आ रहा है, इसी तरीके से एम है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था एन का यूज़।